हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीडी स्टाइल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर प्याज के पकौड़े बनाने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर एंड तक देखें मेरी वीडियो को। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। और ये इमली की चटनी भी मैंने पहले भी बनाई है, अपने वीडियो को डाला है मैंने अपने चैनल में, तो आप इमली की चटनी वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरी इमली की चटनी की वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ी सी हल्दी है, सूजी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और 1 कप बेसन है। और इन सबको मिक्स करने के लिए थोड़ा पानी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, बेसन ऐड करेंगे। प्याज ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी थोड़ी सी, सूजी ऐड कर देंगे पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए। सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से अपने बेसन में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अब हम मिला लेंगे। ये हमने रेडी कर लिया है। अब मैं गैस पे एक पैन चढ़ाती हूँ। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन गर्म हो गया है फ्रेंड्स। इसमें मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी। इसे अब मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल मेरा गर्म हो गया। ऑयल को चेक करने के लिए मैं इसमें एक छोटा सा प्याज डाल के देखूंगी। अगर ये फ्राई होकर ऊपर आ जा रहा है तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू करती हूँ। इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। हम पलटना शुरू कर देंगे। बहुत क्रिस्पी टाइप के लग रहे हैं एकदम।
इस तरीके से हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। इसीलिए अब हम पलटना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम सारे पलट लेंगे पकौड़े। इन्हें भी अब निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे अब पकौड़ों को मैं सर्व करूँगी। ये मेरे पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। इसे मैंने इमली की चटनी के साथ प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े सर्व किए हैं अपनी प्लेट में और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं ये। आप लोगों को मेरी अगर ये पकौड़े की रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स, जिससे मेरी आने वाली नई कोई भी वीडियो आपको अपडेट करती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।